वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेज और मैं हूं विकेश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट टू। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं, पार्ट वन में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस। तो ये चार टॉपिक हमने कवर किया था, लेकिन पार्ट टू में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को कंबाइन करने से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो जो हमारे पास रिएक्शन आता है वो कौन सा रिएक्शन आएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे देखिए, एक तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों के मिलने से क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी पॉइंट्स को समझते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका हम यूज हम व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो थोड़ा शाइनिंग अपीयरेंस देता है, इसका रिएक्शन स्लो होता है, इसलिए जो व्हाइट वॉशिंग जब हम करते हैं वॉल को, 2 or 3 days बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है किसी भी चीज को जलाते हैं, जैसे लाइक कोयला, कोयला को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ कोयल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोयला में क्या होता है, ज्यादातर तो कार्बन होता है, तो कार्बन को अगर हम जलाएंगे, ठीक है, तो जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सिंगल। तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बातें? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है H2O यानी कि वाटर। क्लियर, तो वाटर बन गया। तो इस तरह के रिएक्शंस जो होंगे, यानी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में अगर रिएक्ट होते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनता है अगर वो सिंगल आता है तो इस तरह के जो रिएक्शंस होंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। समझ में आ गई बातें? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो सिंगल रिएक्टेंट को जब हम ब्रेक करते हैं, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलते हैं ब्रेक करने के बाद, तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी कई तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो बात आते हैं
थर्मल रिएक्शन पे करते हैं। तो थर्मल रिएक्शन क्या होता है, इस वर्ड से ही पता चलता है कि थर्मल बोले तो हीट, यानी जो रिएक्शन हीट के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो थर्मल रिएक्शन उसको बोल सकते हैं। कि कोई भी अगर रिएक्टेंट है उसको हीट देकर ब्रेक करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है, तो इस तरह के रिएक्शन जो है वो क्या होंगे, थर्मल रिएक्शन होंगे। तो थर्मल रिएक्शन में जो पहला एग्जाम्पल है वो देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें बनती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दो चीजें निकलती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसको ये कौन सा रिएक्शन है, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग थर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है किसके कारण, हीट के कारण। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट दिए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इस तरह की और सारे एग्जाम्पल्स अपन देख सकते हैं, जैसा कि तो बोल सकते हैं फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, अगर उसको हीट देते हैं तो क्या होगा देखते हैं। तो फेरस सल्फेट को अगर हम हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, यानी कि अगर फेरस सल्फेट को हम हीट दे देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है इन फॉर्म में, ठीक है। तो देख लेते हैं वो भी, फेरस सल्फेट, ठीक है, तो इसको हम हीट दिए, जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो सबसे पहले बनता है हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है। बाकी सब हम बैलेंस कर लेते हैं, वहां से देख लेते हैं बैलेंस करके, क्लियर। तो फेरिक ऑक्साइड हमें मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिल गया, उसके बाद क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये चीजें हमें मिलती है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह एक दो और एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या होता है अगर हम हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर लेड नाइट्रेट है, ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो देख लेते हैं, ठीक है, ये लेड हो गया, तो हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट कराते हैं, हीट देते हैं इसमें, लेड नाइट्रेट में हम हीट दिए तो सबसे पहले क्या बना, ठीक है, लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है, और उसके बाद हमारे पास बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा ब्राउन फेमस होगा, वो ब्राउन कलर देगा, और लास्ट वन बनता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फॉर्म में ब्रेक हो गया, समझ में आ रही बात है। तो यहां पे जो मान लेते हैं ये लेड नाइट्रेट है जो भी है, तो इस यहां पे जो है लेड ऑक्साइड है ना, तो ये सारी चीजें जो है ये बैलेंस किया हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप बैलेंस करके देख भी सकते हैं, तो हमने बैलेंस करना सीखा है बेसिक तौर पे। तो यहां से ये होता है, इस तरह का जो रिएक्शन, जो भी इस तरह का रिएक्शन होगा जो हीट के कारण हो रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल रिएक्शन। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है जो ब्रेक हो जा रहा है हीट के कारण, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो थर्मल रिएक्शन होते हैं मैच, वो कौन सा होते हैं, डिकम्पोजिशन होते हैं, वो हीट के कारण ब्रेक हो सकते हैं।
तो और कौन कौन से रिएक्शन ब्रेकडाउन होते हैं? तो मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण जो रिएक्शन ब्रेक होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कराते हैं, तो वो ब्रेक हो जाता है। और इस तरह के रिएक्शंस कौन से रिएक्शन कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। नाम में ही इसका पूरा डिफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस का सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कि अगर वाटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो कराते हैं, ठीक है, वाटर के इलेक्ट्रिक एनर्जी को वाटर के थ्रू पास कराते हैं, तो वाटर जो है वो ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हम सबको पता है कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी पास थ्रू वाटर इज डिकम्पोज टू गिवन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अगर वाटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कराते हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, हो गया। इसी तरह अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास कराते हैं सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड में अगर पास कराएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में। तो बेसिक तौर पे सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास कराएंगे, बाय द वे इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर हम पास कराएंगे तो क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम पास कराएंगे तो बेसिकली वो अपने रियल फॉर्म में टूटेगा, तो हो जाएगा सोडियम, ठीक है, ओके, और क्लोरीन गैस। क्लोरीन क्या होता है? Cl2। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं? बेसिक तौर पे इसको बैलेंस कर दिए, ठीक है। तो यहां पे ये सोडियम क्या हो गया? मेटल हो गया। ये क्लोरीन क्या हो गया? गैस हो गया, हो गया ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद जो पॉइंट्स आता है वो होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, या फोटोलाइसिस भी उसको बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ब्रेक होता है रिएक्टेंट वो सनलाइट के हेल्प से होता है। फोटोसिंथेसिस को आपने सुना होगा, तो उसी तरह से जो सनलाइट के कारण ब्रेक हो जाता है, सनलाइट के कारण रिएक्ट हो जाता है, उस तरह के रिएक्शंस क्या होते हैं? फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए आते हैं, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। सिल्वर के साथ क्लोराइड मिक्स है, तो सिल्वर क्लोराइड जो व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट में अगर हम उसको रखते हैं, ठीक है, अगर उस पर सनलाइट पड़ता है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। जो सिल्वर का कलर होता है वो आपको पता है कि व्हाइट नहीं होता है, वो ग्रेसिस व्हाइट होता है। आप देखे होंगे सिल्वर को, तो उसका जो कलर होता है बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है, तो वो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, सिल्वर सिल्वर ग्रेसिस कलर में हो जाता है, ठीक है, और बोल सकते हैं। और जो क्लोरीन है वो येलोविश ग्रीन फॉर्म में आता है, वो रियल फॉर्म में अपना आ जाता है। तो देख लेते हैं कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ये सनलाइट
में अगर इसको रखते हैं सनलाइट की वजह से ये ब्रेक होता है, तो जैसे ही ब्रेक हुआ ठीक है और ये क्या हो गया Cl2, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, हो गया बैलेंस है कि नहीं, तो ये अपना ब्रेक हो गया। ये बेसिक कैसा कलर होता है, सिल्वर क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का होता है ठीक है, लेकिन जब अपने रियल फॉर्म में टूटेगा ये सिल्वर में आएगा तो कैसा हो जाएगा, तो देख लेते हैं कैसा, ग्रेसिस ठीक है, व्हाइट, ये भी व्हाइट ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जो ये गैस है क्लोरीन गैस, इसका जो कलर होता है वो एल्विस ग्रीन होता है ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, ये रहा ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। तो उसी तरह अगर सिल्वर ब्रोमाइड है ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस में ब्रेक होता है। वो भी अगर सिल्वर ब्रोमाइड को हम सनलाइट की उपस्थिति में रख देते हैं तो वो कैसा होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन गैस जो है वो भी अलग हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस सिल्वर ब्रोमाइड ठीक है, अगर सनलाइट में इसको रख देते हैं ठीक है, ये हो गया सिल्वर और ये हो गया ब्रोमीन ठीक है, लेकिन ब्रोमीन के अपने रियल फॉर्म में भी हो जाएगा, तो ये आ गया, इसको भी बैलेंस कर देते हैं तो ये आ गया आपके पास। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, बेसिकली सिल्वर ब्रोमाइड का जो कलर होता है पेल येलो के फॉर्म में होता है इस फॉर्म में रहता है ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपके रियल फॉर्म में आ गया, तो सिल्वर का रियल कलर आपको पता ही है कि कैसा होता है ठीक है। और जो ब्रोमीन का कलर है बेसिकली ब्राउन होता है, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है ब्राउन, तो ये अपने ब्राउन कलर में आ जाएगा ओके। तो ये आपके सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन थे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कौन सा रिएक्शन है तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि जिस रिएक्शन में ब्रेकडाउन होता होगा वो किसी वजह से होता होगा, या तो हीट की वजह से होता होगा, या इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से होता होगा, या सनलाइट की वजह से होता होगा। तो इस तीनों में से किसी वजह से वो ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ठीक है। When a more reactive elements displace less reactive elements from its compound is called the displacement reaction. जो more reactive elements है less reactive elements है वो क्या हो जाता है, displace हो जाता है, अपनी जगह change कर लेता है ठीक है, समझ में, जो ज्यादा reactive है वो आ जाता है कम reactive की जगह। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो अगर जिसमें सिर्फ एक डिस्प्लेस होता है तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसमें दो डिस्प्लेस होते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो चलिए उसी को डिटेल से हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है और कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव है, क्लियर है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या समझना होगा, कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है और कौन ज्यादा लेस रिएक्टिव है। तो चलिए देखते हैं, तो जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं ठीक है, तो वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ हम आ रहे हैं,
और नीचे से ऊपर अगर हम जाएंगे तो लेस रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव की तरफ जाएंगे, यानी सबसे ज्यादा कोई एलिमेंट्स जो है वो रिएक्टिव होता है, रिएक्शंस में आता है, सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है तो समझते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद ब्रोमियम, उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। तो ये सारे जो है वो सीरीज है, ठीक है, मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? पोटेशियम। और सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ? गोल्ड। ये चीज समझ गए? तो ये जो टेबल है जो आपके पास है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको आपको कहते हैं, तो सबसे पहला था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? तो हमने बताया था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इट इज ए टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हेन एंड द एलिमेंट्स रिएक्ट विद द कंपाउंड एंड टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स इन दैट द कंपाउंड इज कॉल्ड द सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव के पास आ जाता है, ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव है वो अगर सिंगल ऐसा होता है तो वो क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो जैसे कि हम एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक तरफ है जिंक प्लस यूएसओ फोर, जो रिएक्टेंट में है जिंक प्लस यूएसओ फोर यानी कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक ले लेते हैं, ये क्या एक मेटल है, जिंक मेटल, ओके। और ऊपर से ले लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये हो गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो जिंक है कॉपर सल्फेट है, तो इसमें अगर ये तो रिएक्टेंट है, अब इसमें अगर हम देखते हैं बाय द वे कि कॉपर और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपको ये देखना है कि कॉपर और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, देखिए कि कॉपर रिएक्टिव है या जिंक रिएक्टिव है, ठीक है, बताइए आप। तो आपको जो टेबल दिया था हमने, तो अल्मोनियम के बाद जिंक आता है, ठीक है, जिंक के बाद आयरन आता है, निकेल आता है, टीन आता है, लेड आता है, हाइड्रोजन आता है, तब कॉपर आता है, हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है, यानी रिएक्टिव कौन ज्यादा हुआ? जिंक हुआ, हुआ कि नहीं? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है, जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो जिंक अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो अपने प्लेस को चेंज करेगा, तो क्या होगा? जिंक की जगह कॉपर चला जाएगा और CuSO4 की जगह ZnSO4 हो जाएगा। तो यहां पे जो कॉपर मेटल है, यहां पर कॉपर सल्फेट था तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, क्लियर बात है। ओके, ये क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट, समझ में आई बात है? तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, ओके। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का, तो आयरन और कॉपर सल्फेट में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो सिंपल सी बात है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं? अगर दूसरी एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं तो देखते हैं कि आयरन है और कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो इसमें अगर देखते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है,
ये बताइए। तो हमें पता है कि कॉपर से आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फिर अपनी जगह चेंज करेगा वो कॉपर, और कॉपर की जगह आयरन हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। क्लियर? तो इस तरह का रिएक्शन जो होता है वो एक अगर एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करता है तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स आर डिस्प्लेस बाय ईच अदर इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे दो अलग अलग बोल सकते हैं, या तो आयंस या तो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो डिस्प्लेस होता हो। यहां सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था, वहां डबल डिस्प्लेस होता हो, तो इस तरह का रिएक्शन जो होता वो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, फिर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आता है, तो इसको भी हम देखेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क कर। देखिए एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, कि सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड को अगर मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड हो जाता है। तो कैसे? देखते हैं, एक तरफ हमारे पास है सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसके साथ हम मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये बताते हैं, तो सोडियम और बेरियम, ठीक है, दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये बताइए? बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम के कंपैरिजन, है कि नहीं? तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम वाले रिएक्टिव की जगह आ जाएगा। तो बोल सकते हैं, तो बी जो ये है इसकी जगह डिस्प्लेस हो गया, यानी कि बी ए एसओ फोर प्लस सोडियम एल ए सी एल, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है बेरियम सल्फेट हो गया और ये सोडियम क्लोराइड हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे डबल डिस्प्लेस हो रहा है, ये भी यहां आ रहा है, ये भी यहां हो रहा है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था, तो यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्या था? सोडियम सल्फेट। ठीक है, और ये क्या था? बेरियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये चीजें हमें मिलकर आती है। तो इस तरह के जो भी रिएक्शन होंगे वो कौन सा रिएक्शन होंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ सोडियम ब्रोमाइड को मिलाते हैं तो क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसके साथ मिला रहे हैं सोडियम ब्रोमाइड को, ठीक है, तो जो हमारे पास रिएक्शन आएंगे ये यहां से तय कर लेते हैं कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या सिल्वर। तो ऑफकोर्स सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस होगा, तो सोडियम नाइट्रेट
सिल्वर ब्रोमाइड, ये चीजें हमारे पास आ गई है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट अगर था और ये क्या था, सोडियम ब्रोमाइड, क्लियर। और ये क्या था, सोडियम नाइट्रेट। और ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर। तो इस तरह का रिएक्शन होते हैं बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, बाकी रिएक्शन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले हैं बेसिक तौर पे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रिसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सारे जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तब तक के लिए बाय सब।